आरटीआई एक्टिविस्ट और कांग्रेस नेता कुणाल शुक्ला को नोटिस देने राजस्थान पुलिस रायपुर पहुंची है। शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मनगढ़ंत झूठा और प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता राकेश जैन ने कोटा के किशोरपुरा थाने में दर्ज कराई थी। इसे लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा की सरकार में मजदूरों, किसानों और बेरोजगारों की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे राजस्थान पुलिस जो है रायपुर की कोतवाली पुलिस के साथ एक ऐसे मामले को लेकर आती है और कहती है कि ओम बिरला के विरुद्ध मैं टीका टिप्पणी करा हूं और इसे लेकर राजस्थान के कोटा के किशोरपुरा थाने में मेरे एवं अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और 7 दिनों के अंदर मुझे जो है फरमान जारी किया जाता है कि मैं राजस्थान के कोटा में उपस्थित हूं और अपना पक्ष रखूं। एक तानाशाही चल रही है, अगर आप पॉलिटिकल टीका टिप्पणी करेंगे तो इनकी पुलिस आपके दरवाजे में आकर खड़ी हो जाएगी। आप देख रहे हैं, अगर आप गरीब मजदूर की आवाज उठाएंगे तो इनकी पुलिस आपके यहाँ घर में आके खड़ी हो जाएगी। चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, मैं उनकी आवाज उठाते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ और आज उसका परिणाम यह है कि इनकी तानाशाही के तहत इनकी पुलिस आज मेरे दरवाजे में खड़ी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, कुणाल शुक्ला को नोटिस देने के लिए राजस्थान पुलिस रायपुर पहुंची है, क्या पूरी जानकारी है और उनकी तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, आज सुबह सुबह राजस्थान की जो पुलिस है, खासकर कोटा जिले की जो पुलिस है, वो रायपुर पहुंची हुई थी और रायपुर पहुंचने के बाद, चूंकि देखिए कुणाल शुक्ला के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगा हुआ है, ये आरोप ये सीधे तौर पे FIR जो है वहां के जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है बीजेपी के, उन नेताओं के द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई है। इन FIR के मुताबिक ये बताया गया है कि कुणाल शुक्ला के द्वारा 13 अप्रैल 2024 को जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस दौरान ओम बिरला उस दौरान चूंकि चुनावी मैदान पे थे, वो भाजपा से प्रत्याशी थे, उस दौरान किसी तरह के जो आरोप हैं, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी किया गया था जिसपे जो भ्रामक जानकारी है वो फैलाने का जो सीधे तौर पे आरोप कुणाल शुक्ला के ऊपर लगा था, इस मामले में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद राजस्थान की जो पुलिस है वो आज रायपुर पहुंची थी, नोटिस अपने साथ लेके आई थी, कुछ धाराएं भी कुणाल शुक्ला के ऊपर दर्ज किए गए हैं। उसी धाराओं के तहत 7 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान कोटा उन्हें बुलाया गया है। तो ऐसे में कुणाल शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मैं मजदूरों, किसानों और युवाओं के हित की बात करता हूँ, ऐसे में मेरे खिलाफ केंद्र की जो सरकार है या जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां इस तरह जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और महज 7 दिनों के भीतर मुझे जवाब मांगा जा रहा है, तो इसे उन्होंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जी राजेश, इस बात की भी जानकारी दीजिएगा कि अब जो ये नोटिस निकल के सामने आया है, इसको लेकर के आगे उनका क्या कदम रहने वाला है, क्या इसको लेकर के भी कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, काफी लंबे समय तक कुणाल शुक्ला के घर पे राजस्थान की पुलिस थी और सीधे तौर पे कुणाल शुक्ला का ये कहना था कि 7 दिन का बहुत ही शॉर्ट नोटिस होता है, उससे अच्छा क्यों ना राजस्थान की पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ही ले जाए। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो कुणाल शुक्ला के द्वारा लगाए जा रहे थे, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, चूंकि कुणाल शुक्ला भी अपने एक वकील से संपर्क साधे हैं, अब इस पूरे मामले में उनका ये कहना है कि वकील के माध्यम से ही जवाब तलब किया जाएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता कि अगर राजस्थान की पुलिस सीधे मुझे गिरफ्तार करके ले जाती। इस तरह के जो कहना आरोप जो हैं वो सीधे तौर पे कुणाल शुक्ला लगा रहे हैं और सीधे तौर पे केंद्र और भाजपा शासित राज्यों के ऊपर कुणाल शुक्ला आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजेश।